रविंद्र अपने गांव के लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति था। रविंद्र और सुभद्रा अपनी बेटी चांदनी के साथ पंतपल्ली में रहते थे। चांदनी एक बहुत ही नटखट लड़की थी, लेकिन साथ ही वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ती भी थी। उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अचानक, चांदनी, मैंने तुमसे कल एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था, जरा उसे यहाँ लेकर तो आना बेटा। हाँ पापा, अभी लाती हूँ। आप कहीं जा रही हो क्या? मैं शहर जा रहा हूँ। क्या तुमको शहर से कुछ चाहिए? पापा, आप दुकान से मेरे लिए चमेली के 2 पौधे लेके आना। मैं उन्हें अपने छोटे से बगीचे में लगाना चाहती हूँ। पिछली बार जब आपके साथ गई थी तो देखे थे। ठीक है बेटी, मैं जरूर ले आऊंगा। रविंद्र शहर चला गया, लेकिन पीछे सुभद्रा थोड़ी दुखी थी। चांदनी ने ये महसूस किया। माँ, सुबह से मैं तुमको देख रही हूँ, क्या हुआ? तुम इतनी सुस्त क्यों लग रही हो आज? कुछ नहीं बेटी, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना दूं बेटा? मुझे लग रहा है कि जैसे सुबह से तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। सच बताओ माँ, क्या हुआ है? इस बार हमारी फसल से उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई है बिटिया, और तुम्हारे पापा है कि खेती छोड़ ही नहीं रहे। मुझे बड़ी चिंता लगी हुई है। तुमको इतनी चिंता क्यों हो रही है? पापा तो एकदम आराम से हैं। तो फिर? तुम्हारे पापा बहुत निडर हैं और अपने चेहरे पर मन की बात आने नहीं देते। अभी भी जरूरी सामान खरीदने के लिए उन्होंने किसी से उधार लिया हुआ है बेटा। हालत बड़ी खराब है उनकी। मुझे तो लगा था कि इस बार फसल अच्छी हुई है माँ, फिर हमें घाटा क्यों हुआ? फसल तो अच्छी ही हुई थी बेटा, लेकिन फसल का कुछ खास पैसा नहीं मिला और दाम बहुत नीचे चला गया है। हमने फसल उगाने के लिए जो पैसा लगाया था वो भी निकल नहीं पाया, इसीलिए हालत खराब है। पापा को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है ना माँ? वो पहले से ही बहुत उदास है, और अगर तुम भी उनसे कुछ पूछोगी तो उन्हें और भी चिंता होने लगेगी। ठीक है माँ, मैं पापा से कुछ नहीं पूछूंगी। स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, और मैंने तुम्हारे लिए रसोई में कुछ पैसे रख दिए थे, उन्हें ले जाना। ठीक है माँ। उसने पैसे ले लिए। स्कूल जाते समय रास्ते में चांदनी ने देखा कि एक आदमी लॉटरी के टिकट बेच रहा है, और उसने माँ के दिए पैसों से एक टिकट खरीद लिया। उसने वो टिकट अपनी किताब में संभाल के रख लिया। शाम को उसने अपनी माँ को इस टिकट के बारे में बताया। इन दिनों हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा बेटा, फिर तुमने टिकट में क्यों पैसे खर्च कर लिए? मुझे बस खरीदने का मन किया, इसलिए मैंने खरीद लिया। अब कल इसका रिजल्ट आने वाला है, चलो हम अच्छी की ही उम्मीद करें। उस रात रविंद्र भी काफी चुप था। चांदनी ने अपने पिता को लॉटरी के बारे में बताना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गई। पापा, आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ ना। क्या बताऊं बेटी, हमारा कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। हालत ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल खेती कर भी पाऊंगा या नहीं, इसीलिए माँ और मैं। आप चिंता क्यों कर रहे हो पापा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे, आप उदास मत हो। अगले दिन सुबह चांदनी बहुत उत्साहित थी और अपने पिता के पास गई। सुभद्रा भी अपनी बेटी को देखकर खुश हो रही थी। अरे चांदनी, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो? हाँ बेटा। अरे धीरे धीरे चल, इतना कूदते हुए क्यों चल रही है? हाँ, मैंने लॉटरी जीती है और हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, अब हम अपने सारी कर्ज चुका देंगे। ये सुनकर रविंद्र के चेहरे पर खुशी खिल गई। क्या ये सच है? ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अब हमारा कर्ज उतर जाएगा तो आधी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी, हमें और क्या चाहिए। उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने अपने सभी कर्ज चुका दिए।
और सुभद्रा ने बची हुई राशि से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का सुझाव दिया। देखो सुभद्रा, अगर हम व्यापार करते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं खेती करना नहीं छोड़ना चाहता। ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना। हम तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे जी, और अगर चांदनी ने वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा होता तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। तो क्यों ना इस पैसे को हम ऐसे इस्तेमाल करें कि कुछ फायदा हो। माँ, पापा का जो मन हो उन्हें करने दो, उन्हें उसी में संतुष्टि मिलेगी। उनको मनाने की कोशिश मत करो और जाने दो। आप वही करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है पापा। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ताकत देती हैं। जो पैसा हमारे पास बचा है उससे मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ और शहर के एक अनाथालय में मदद भी देना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या सोचना है बेटा, बताओ मुझे, ऐसा करूँ? जरूर करो पापा, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भी भला करते हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो ना, तब तक हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, और जो पैसा हमें मिला है वो हमारे लिए बहुत से ज्यादा है। हाँ बेटा। सुभद्रा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम बोलो, मेरा निर्णय ठीक है या नहीं? तुम मेरे साथ हो कि नहीं? बोलो माँ, तुम तैयार हो कि नहीं? मुझे यकीन है माँ कि इस नई ऊर्जा के साथ हम अब कुछ बेहतर कर पाएंगे, मान जाओ। मेरा यकीन करो सुभद्रा, इस बार मैं नई तकनीकें अपनाऊंगा और फिर खेती करूंगा। बोलो ना। ठीक है, चलिए, आपकी इच्छा है खेती की। चलिए अब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ बेटा, चलो मैं भी निकलता हूँ। अब चांदनी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। रविंद्र हमेशा की तरह अपनी खेती करने में व्यस्त हो गया था और सुभद्रा अपने घर का काम संभालने में। रविंद्र अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। उसकी बेटी चांदनी जब एक छोटी सी बच्ची ही थी कि उसकी माँ चल बसी थी, इसलिए रविंद्र ने रुद्रवेणी से दूसरी शादी कर ली थी। बाद में रुद्रवेणी से भी उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा सिरिशा। कुछ सालों बाद जब रविंद्र को एक बीमारी से अपने मर जाने की आशंका हुई तो अपनी सारी संपत्ति उसने चांदनी के नाम लिख दी। इसके बाद चांदनी की संपत्ति अपने नाम करने के लिए रुद्रवेणी उससे प्यार करने का झूठा नाटक करने लगी। एक दिन, अरे चांदनी, तू कहाँ है? मैंने तेरे लिए पूरी बनाई है, जल्दी आकर खा ले जरा, आजा। मुझे भी पूरी चाहिए माँ। थोड़ा इंतजार कर, हमेशा अपनी टांग अड़ा देती है, तुझे बाद में दे दूंगी। तुम ऐसा क्यों करती हो माँ? तुम हर चीज हमेशा पहले चांदनी को देती हो, बाद में मुझे। अरे अभी तेरा कुछ भी नहीं है, जब सब कुछ तेरा हो जाए, इसीलिए तो ऐसा कर रही हूँ। लेकिन अभी तो इन बातों को नहीं समझेगी। तभी चांदनी वहाँ आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? आजा, आकर पूरियाँ खा ले। मैंने अपने सभी दोस्तों से कहा है कि कल मैं उनके लिए चॉकलेट लाऊंगी, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अरे हाँ हाँ, ये सारा पैसा तेरा ही तो है, जितना चाहिए ले और खर्च कर। आप बहुत अच्छी माँ हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। आजा बेटी, मैं तुझे खिला दूँ, फिर जाना बाहर। चांदनी खुशी खुशी खेल कूद कर और उसके प्यार को सच्चा समझकर अच्छी तरह से बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे वो 18 साल की हो गई। रुद्रवेणी हमेशा इस उधेड़बुन में रहती थी कि कैसे उसे सारी संपत्ति हथिया ले। उस दिन रुद्रवेणी ने वकील को घर बुलाया था ताकि वो सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ले। चांदनी चुपचाप सुन रही थी कि वे क्या बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको चांदनी की संपत्ति अपनी बेटी के नाम पर करवानी है तो कागजात पर चांदनी के हस्ताक्षरों की जरूरत है, तभी हो सकेगा, वरना इसकी कोई कीमत नहीं। अगर मुझे उसके हस्ताक्षर नहीं मिले तो क्या मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? कितनी बार मैंने उस लड़की को खुश रखने के लिए अपनी खुद की बेटी को रुलाया है। नहीं नहीं, मैं उससे ये हस्ताक्षर लेकर रहूंगी। हाँ हाँ, जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अब वो 18 साल की है, कोई बच्ची नहीं।
जरा शांत रहिए। अरे चांदनी बेटी वहाँ क्या खड़ी है, तू एक बार इधर आ। वो उदास होकर वकील और रुद्रवेणी की बातें सुन रही थी। चुपचाप आकर उनके पास खड़ी हो गई। क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? देख तेरे वकील अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। कितनी बड़ी हो गई हो चांदनी बेटी, अब तुम पूरे 18 साल की हो, इसीलिए तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाना चाहती है। जल्दी से कर दो तो मैं निकलूं यहाँ से। हाँ ठीक है, करो जल्दी से। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अब तक कितने प्यार से रखा है ना बेटा, तो उनकी बात मानो। मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब तक जो भी योजना बनाई और निभाई गई वो भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं अब इस घर में एक मिनट भी और रुकने नहीं वाली हूँ, जा रही हूँ। और चांदनी वहाँ से भागने लगी। रुद्रवेणी ने उसे पकड़ने के लिए कुछ लोगों को पहले से ही बुला रखा था। चांदनी का पीछा करते हुए वो सब एक झील पर पहुंच गए। चांदनी ने झील के पास पहुंचकर अपने पीछे देखा और उन्हें आता हुआ देखकर वो झील में कूद गई। तभी तुरंत एक जलपरी पानी से बाहर निकल आई। उसे देखकर वो गुंडे भाग गए। आप कौन हैं और मुझे उन गुंडों से बचाने अचानक कैसे आ गई? मैं तो लग रहा था मर ही जाऊंगी। देखो चांदनी, आज के बाद से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और फिर भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो याद रखना कि तुम्हारी मदद करने के लिए ये जलपरी है। अब घर जाओ और खुश रहो। जलपरी की बातें सुनकर चांदनी अपने घर लौट आई। उसे आते देख रुद्रवेणी को बहुत गुस्सा आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास से भाग जाने की? अब मैं देखती हूँ कि तू मुझसे कैसे बचती है। मैं जीना चाहती हूँ माँ, प्लीज मुझे मारना मत और मुझे कुछ मत करना, प्लीज। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुझे एक अंधेरे कमरे में बंद रखूंगी ना, तो तेरा ये सारा नाटक खत्म हो जाएगा। और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले गई और चांदनी को वहां बंद कर दिया। जब रुद्रवेणी अपने कमरे में वापस आई तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और रुद्रवेणी डर से कांपने लगी। ये शोर कौन कर रहा है और ये अजीब सी आवाजें कहां से आ रही है? तभी जलपरी वहां प्रकट हुई और उससे कहा, रुद्रवेणी तुमने उस कमरे में चांदनी को बंद करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम कौन हो और मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, अगर तुम चांदनी को परेशान करोगी तो खुद से पहले अपनी बेटी की जान गवा बैठोगी। अगर तुम अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो चांदनी का ध्यान रखना शुरू कर दो और उससे सच्चा प्यार करो, समझ गई? ऐसा मत करना, मैं अपनी बेटी के साथ साथ चांदनी का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद जलपरी वहां से चली गई और रुद्रवेणी ने चांदनी को कमरे से बाहर ले लिया। रुद्रवेणी को घबराया हुआ देखकर, मुझे शीर्षा और आप दोनों से प्यार है माँ, और मुझे इस जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अभी सब कुछ आपके नाम पर लिख देती हूँ, आप दोनों खुश रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। चांदनी की बात सुनकर रुद्रवेणी को पश्चाताप होने लगा और वो बोली, मैंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी तू मेरा भला चाह रही है, मुझे माफ कर दे बेटी, अब मेरे लिए तू और सरिशा बराबर हैं। तब से चांदनी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। रुद्रवेणी भी अब चांदनी को सच्चा प्यार करने लगी थी, उसकी ममता उसके लिए जाग गई थी।